हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं परेश पीबी न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आया हूँ फ्रेंड, जिसके जरिए आपका व्हाट्सअप का चैटिंग करने का फुल्ली तरीका चेंज हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, फुल तरीका चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। एक एप्लीकेशन और बहुत सारे तरीके हैं फ्रेंड्स, ऐसे चैटिंग कर पाओगे आप, ऐसा आपका व्हाट्सअप यूज़ करने का तरीका चेंज हो जाएगा, जिसके ज़रिए आपका व्हाट्सअप यूज़ करने को आपको कुछ अलग ही मज़ा आ जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, मैं एक एप्लीकेशन बताऊँगा आपको, ये एप्लीकेशन मैं आपको दावा करता हूँ पहले किसी ने नहीं बताया होगा फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम पीबी न्यूज़ पे एप्लीकेशन के बारे में मैं खुलासा कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये एप्लीकेशन का पूरा वीडियो देखे, ये वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। तो फटाफट मैं एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना होगा फ्रेंड्स। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें वहाँ पर सर्च करना होगा क्लिक टू चैट सेंड ट्रांसलेट एंड क्लीन व्हाट्सअप करके, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। इसको 50,000 लोगों ने डाउनलोड किया है फॉर फ्रेंड्स। इसको 4.3 की रेटिंग दी गई है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। मैं खुद इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मेरा ओपिनियन आप लेंगे तो इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में रखना ही रखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये एप्लीकेशन के बाद आपका मोबाइल का व्हाट्सअप कुछ अलग टाइप में चलेगा। और इसमें अभी क्या कर सकते हैं आप, वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स फटाफट। तो मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद इस तरह कुछ उसका इंटरफेस आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको सपोज़ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन एक ही एप्लीकेशन में दिए गए फ्रेंड्स। तो सपोज़ मेरा यहाँ पे एक दोस्त है, उसका बर्थडे कल रात 12 बजे, तो सपोज़ मुझे उसको मैसेज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 बजे तक जगना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैसेज का टाइम सेट कर दूंगा। टाइम सेट करने के बाद डायरेक्टली 12 बजे ये ऑटोमेटिक उसको मैसेज चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज लिख देना है फ्रेंड्स। जो आपको मैसेज लिखना है वो मैसेज आपको लिख देना है फ्रेंड्स। और ये मैसेज लिखने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सेंड नाउ और सेंड लेटर करके ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, उसमें सेंड लेटर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके मुझे अभी 13 तारीख यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। 13 तारीख सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे टाइम का ऑप्शन दे रहा है फ्रेंड्स। मैं अभी 12:01 पे यहाँ पे टाइम जो है यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 12:01 मैंने यहाँ पे सेंड सेट कर दिया। सेट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे यहाँ पे देखिए मैसेज शेड्यूल इज 13 तारीख का, आपको 12:01 में ये मैसेज सेंड हो जाएगा, ऐसे इसने यहाँ पे एप्लीकेशन ने बता दिया है फ्रेंड। ये तो ही पहली तरीका, ये तो हुआ पहला तरीका फ्रेंड। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ फ्रेंड, सपोज आप किसी दोस्त को मैसेज करना चाहते हो उसके नाम से, तो वो कैसे करेगा फ्रेंड्स? आपको कोई एक आध मैसेज ढूंढना पड़ेगा, उसमें उसका नाम ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके नाम पे वो मैसेज या जोक आप उसको सेंड कर सकते हैं फ्रेंड। तो आपको ये एप्लीकेशन इसमें भी मदद करती है फ्रेंड्स। आपको सिंपली आपका दोस्त का या किसी का नंबर यहाँ पे डालना है और प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड। जब आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे सपोज मैंने एक रोशन नाम करके रखा था फ्रेंड, यहाँ पे उसका नाम भी आ गया और उसमें वो मैसेज भी आ गया। आप जब भी कभी पे प्लस पे और क्लिक करेंगे तो अलग मैसेज, आपको ये मैसेज पसंद नहीं तो कुछ अलग मैसेज करना चाहते हैं तो अलग मैसेज भी यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड। और सपोज आपको इंग्लिश में नहीं चाहिए, हिंदी में चाहिए, दूसरी कोई लैंग्वेज में चाहिए, तो इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। मोर में जाएंगे तो और भी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगे फ्रेंड। तो सपोज मैं हिंदी करता हूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक जो ये मैसेज है हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है फ्रेंड। तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेंड नाउ पे क्लिक करना है और ये मैसेज आपके दोस्त को सेंड कर देना है फ्रेंड्स। आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं, सब कुछ करेगा ये एप्लीकेशन करेगा फ्रेंड। देखिए ये मैसेज उस नंबर को सेंड हो गया है फ्रेंड। तो ऐसे और भी इसमें तरीके फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, कि हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, एक ही मैसेज एक ही फोटो हमें बार बार आते रहता है फ्रेंड। सपोज कोई ट्रेन में कोई चल रहा होगा तो वही मैसेज और वही फोटोज वीडियो आते रहते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें क्या किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लीनर करके ऑप्शन दिया गया है। तो क्लीनर में जब हम जाएंगे फ्रेंड, तो क्लीनर में सब कुछ एक क्लीन करके दे, क्लीन मतलब हमें अलग अलग टाइप में मैसेज और फोटोज़ को निकाल के देगा। उसके ज़रिए हमें जो पसंद नहीं है हो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ हमें एक इमेज 10 बार आई होगी, तो इमेज में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ये कुछ टाइम लोड लेगा। लोड लेने के बाद ये पूरा का पूरा लोड हो गया, तो उसके बाद जो जो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल इमेज आपको आई होंगी वो ऐप से आप डिलीट कर सकते हैं। ऑडियो का भी वैसे ही कर सकते हैं, वीडियो का भी उसी टाइप में आप कर सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा इस एप्लीकेशन का फ्रेंड। और सपोज़ फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड्स की आपको स्टोरी अच्छी लगी फ्रेंड, सपोज़ मुझे व्हाट्सअप में स्टोरी का मतलब आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको। सपोज़ व्हाट्सअप में किसी का आपको स्टेटस अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो उसको डाउनलोड करने का हमें ऑप्शन नहीं मिलता फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, उसमें उसका ऊपर नाम भी आ जाता है और व्हाट्सअप का यहाँ पे लोगो भी आ जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पे स्टोरेज में आप जब क्लिक करोगे फ्रेंड्स, स्टोरेज में क्लिक करने के बाद आपके फ्रेंड के जितने भी आपको जितने भी आपके दोस्त होंगे जिनकी भी यहाँ पे स्टोरीज आई होंगी, वहाँ पे आप सिलेक्ट करके डायरेक्टली नीचे डाउनलोडिंग का बटन देख सकते हैं आप। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे
तो जितनी भी स्टोरी अपने दोस्त ने दो तीन फोटोज़ वगैरह स्टोरी वो भी लिखे होंगे, जो फोटो डाले होंगे वो डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसी बन्नादेदार एप्लीकेशन है फ्रेंड से, एक ही एप्लीकेशन 10 काम कर लेती है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन छोटी सी एप्लीकेशन है, आपको ज़्यादा कुछ MB भी नहीं जाएगा फ्रेंड्स आपका, एक ही एप्लीकेशन में आपके सब कुछ काम हो जाएंगे, खाली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और एप्लीकेशन को यूज़ करना है फ्रेंड्स। आपको और भी कुछ समझ नहीं आएगा तो वीडियो को फिर एक बार देखिएगा फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आपको ज़रूर समझ आएगी फ्रेंड्स। ये इतनी भी मतलब स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं है फ्रेंड्स, इसमें बहुत आसानी से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। आपको दो तीन बार वीडियो जब देखेंगे तो सभी आपको जो जो तरीका यूज़ करने का वो सभी तरीके आपको यूज़ करने आ जाएंगे फ्रेंड्स। और इस एप्लीकेशन के यूज़ करने के बाद आपका व्हाट्सअप चलाने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को पूरा देखे, एंड तक देखे और सभी फंक्शन को पूरा जान ले फ्रेंड्स। और कुछ आपको दिक्कत आती होंगी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा फ्रेंड। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो मैं ही आपके लिए लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, और हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।